असल नाज़रीन मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ और आज के हमारे रियल पाकिस्तानी ख़ास मेहमान हैं ख़ास शख्सियत हैं क्योंकि इनका ताल्लुक जो है एजुकेशन सेक्टर से माशाल्लाह से गुज़िश्ता चालीस साल से जो है अपनी खिदमत इसी एजुकेशन सेक्टर में अपनी सर अंजाम दे रहे हैं और इनकी काबिलियत पर ही इन्हें जो है हायर एजुकेशन कमीशन का दोबारा से चेयरमैन भी नामज़द किया गया है और इन्हीं की बदौलत इनकी कोशिशों की बदौलत पाकिस्तान जो है दुनिया की जो टॉप फाइव हंड्रेड यूनिवर्सिटीज़ में दोबारा से कम बैक आना हुआ तो आज के हमारे बड़े खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद सर वैसे तो मैंने अपने इंट्रो में बिल्कुल मुख्तर बात इसलिए की थी ताकि हम वो सब बातें जान सकें माशाला से जो आपकी एजुकेशन सेक्टर में जो आपकी खदमात हैं और ना सिर्फ पाकिस्तान में पाकिस्तान से बाहर भी इंटरनेशनली भी आपकी बहुत कोशिश है इसके लिए तो सबसे पहले हम शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि सर एजुकेशन सेक्टर से ही हमारा फ्यूचर हमारे बच्चों का फ्यूचर वाबस्ता है सर क्या कहना चाहेंगे आप थैंक यू पी टी वी का भी आपका भी थोड़ी सी मैं कोई कर दूं मेरा कमाल उसमें नहीं है ये एक टीम वर्क है पूरा सेक्टर है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं एच ई सी है, है गवर्नमेंट की सपोर्ट थी और सब ने मिलकर काम किया मैं तो एक उस मामूली सा एक मेंबर उस ग्रुप का हूँ था कि अल्लाह ताला कबूल कर ले अगर हमने कोई अच्छा काम किया है बाकी यह है कि अलहमदिल्ला पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड कंट्री इसमें कोई दूसरी राय नहीं है लेकिन कुछ इंटरनल एक्सटर्नल कुछ हाँ कहते ना कुछ शहर दी लोग भी हैं, से कुछ सानों मरंदा चौक भी से तो कुछ मसाइल की वजह से जो अनवांटेड हैं हमने अपने आप को इतना ख़राब कर लिया अनफॉर्चुनेटली कि इस वक्त सर्वाइवल मुश्किल नज़र आ रही है लेकिन अल्लाह ताला ने इस मुल्क को नवाजा था इस, इस कौम को सताईसवीं की रात को उन्नीस सौ में तो ये मुल्क पाक पाकिस्तान के नाम से बना तो अल्लाह मेहरबानी करेगा इन ये रहेगा और इन बेहतर भी होगा डॉक्टर साहब आपने नवाजने वाली बात की तो हम समझते हैं कि अल्लाह ताला ने आपकी सूरत में भी एक तरह से हमें गिफ्ट दिया है नवाजा है क्योंकि इस तरह के काबिल लोग होते हैं तभी तो इदारे चलते हैं तभी तो हमें आपकी हमेशा ज़रूरत पड़ती है और आप देखें क्योंकि आपने जो आपके डिसीशन हैं ना सिर्फ क्योंकि इस इदारे के हवाले से दीगर भी क्योंकि इंटरनेशनली भी आपने पाकिस्तान को रिप्रजेंट किया है और अभी भी मजीद यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से जिस तरह से काम कर रहे हैं दिन रात और इसकी इमेज को क्योंकि इसकी क्वालिटी को ये बहुत ज़रूरी है अगर हमें क्वालिटी की जब मैंने बात छेड़ ही दी है क्योंकि हम अभी आपसे ये बात हो रही थी कि यूनिवर्सिटीज़ तो बन ही रही हैं लेकिन क्वालिटी पर ज़रा ध्यान देना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो सर आपका डिपार्टमेंट कितना फोकस्ड है और आप क्योंकि और जाहिर सी बात है आपने जब ये जिम्मेदारी संभाली तो बहुत सारे चैलेंजेस का आपको सामना था तो सर अभी किस तरह से आप काम कर रहे हैं देखें इसमें कोई दूसरी राय नहीं है जब एच ई सी में बनाया गया जब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से इसको अपग्रेड किया गया तो जो तीन एरिया आइडेंटिफाई किए गए जिसको टारगेट दिया गया एच को आपने कि इन तीन एरिया को एड्रेस करना है पाकिस्तान में एक था एक, जो एक्सेस एंड इक्विटी के नंबर बढ़ाना था फिर बैलेंस करना था सोसाइटी में बच्ची बच्चियाँ को बच्चे और बच्चियों का एक अपॉर्चुनिटी मिलनी थी मेल और फीमेल फोक्स को और दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन था क्वालिटी का और तीसरा ऑफ कोर्स रेलिवेंस था कि इसका हमारे माशरे पे हमारे सोसाइटी पर क्या असर है और किस तरह के लोग हमें चाहिए तो आज भी अगर मुझे को पूछता है मैं अभी भी एक दो फंक्शन करके एक यूनिवर्सिटी में आया हूँ मिल के आया हूँ तो मैंने उनसे यही कहा है कि आज लोग कहते हैं ना पैसे बड़े मसले हैं ठीक है पैसा इज़ वन इशू और इस वक्त डिफ़िकल्ट टाइम से हमारा मुल्क गुजर है तो हमें भी अंदाज़ा होना चाहिए कि इस वक्त हमें अपने रिसोर्स में रहते हुए आगे चलना है लेकिन मेरा ख़्याल है कि हमारी यूनिवर्सिटियों का या हायर एजुकेशन का मसला पैसा भी है लेकिन मेन इशू पैसा नहीं है मेन इशू इस वक्त जो बड़े अरसे से मैं बार बार कहता हूँ कि हमारा इशू गवर्नेस का है हमारा इशू क्वालिटी का है अगर हम चीज़ें अपनी ठीक कर लें अपने इदारों को ठीक चलाएँ कानून कायदे के दायरे में रह कर चलाएँ लोगों को खुश ना करें सिर्फ अपनी जाती फ़ायदे के लिए ना सोचें बल्कि मुल्क का सोचें इधारों को सोचें तो कोई वजह नहीं है कि इन रिसोर्स में रह के भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं और मेरा बड़ा ईमान है इस पर कि अगर आप नीयत नीत हो के अपनी ज़ात को निकाल के काम शुरू करें तो अल्लाह भी रास्ते निकालता है और आपको भी नवास्ता भी और आपके लिए सबबुलसबाब होते हैं रास्ते खुलते जाते हैं तो मैं, <coughs> मैं बड़ा इसका बिलीवर हूँ कि अगर हम सारे मिल के मैं आज भी फैकल्टी से मिल के आया हूँ और शायद बंदा जब सिक्सटी क्रास कर लेता है तो आस्ता आस्ता फिर उसको समझ आती है कि यार ये काम ऐसे भी करना चाहिए जबकि लेट हो चुका होता है लेकिन अल्लाह ने मौका दिया तो फिर कोशिश कर रहे हैं कि अपनी टीम के साथ अपने इदारों के साथ जिनके लिए हम फैसिलिटेटर का रोल हमने प्ले करना है बट सेम टाइम वो रेगुलेटर आल्सो तो कभी कभी हल्का हल्का ट्विस्ट ऑन भी करना पड़ता है कि नहीं यार सीधे रहो ये नहीं करना ये नहीं करना क्योंकि हम शॉर्टकट की तरफ तो बहुत जाते हैं ना और रातों रात अमीर भी होना चाहते हैं और फिर प्लाटों के मसले ख़त्म ही नहीं हो रहे तो ये इन चक्रों में बैठ के तो शायद हमने बहुत से अपने अदारे ख़राब कर लिए अपनी प्रोयटी चेंज कर ली नीयत अच्छी होनी चाहिए नीयत अच्छी देखें कौम बन जाए मैं अभी भी स्टूडेंट थी एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से होके आ रहा हूँ मैंने उनसे कहते हैं उन्होंने पूछा क्या कर सकते हैं मैंने कहा नीत ठीक कर लो कौम बन जाओ मिल के काम करना सीखो चीज़ें ठीक हो जाएंगी अल्लाह ने बहुत नवाजा हुआ हमें हर किस्म के रिसोर्सेज दिए होंगे यंग बच्चे बच्चियाँ हैं नेचुरल रिसोर्सेज हैं खूबसूरत मुल्क है चारों मौसम है तो फिर कमी किस चीज़ की डॉक्टर साहब माशाल्लाह से अगर मैं आपकी ज़िंदगी देखूं अल्लाह ने आपको जो इज्जत जो मकाम दिया है लोगों को ये लगता है कि भाई यहाँ पे पहुँच जाते हैं चीज़ें हैं और मुझे आपसे मुलाकात से पहले जो सी बात है सबको पता है कि एज बिंग अ चेयरमैन आपका ये प्रोफाइल है चीज़ें लेकिन हमारे नाजन को ये नहीं पता कि यहाँ पर जो आप यहाँ इस मकाम तक पहुँचें कितनी स्ट्रगल थी एक बच्चा जो है वो कितने आम से स्कूल से वो बच्चा पढ़ा है और किस तरह से उसकी मदर ने कितना साथ दिया है और उस बच्चे ने ना सिर्फ अपनी तालीमी सिलसिला जो है वो जोड़ा था बल्कि एक वालिद की सूरत में दीगर बहन भाइयों को भी देखा था हम चाहेंगे कि आज जो है वो सारी बातें हमारे नाजरन को बताएं कि यहाँ पर आपने कितनी मेहनत करके यहाँ पे इस मकाम तक तो पहुँचे देखिए मेहनत सारे करते हैं अल्लाह का ख़ास करम होना चाहिए और सच बिल्कुल सही आपने फ़रमाया मेरी माँ की दुआएं थी मेरे बुज़ुर्ग थे मेरे चाचा अल्लाह तुमको याद दे अभी भी हैं उन्होंने मुझे सहारा दिया मेरे वाल साहब फोर्थ हो गए जब मैं एफ में था तो बेसिकली मेरे फोर फ़ादर उन नाइनटीन में माइग्रेट हो करके आए कश्मीर से और इधर अटक में एक छोटा सा हमारा गांव था हज़रो उसको कहते थे तो वहाँ मैं पैदा हुआ 1959 में और स्कूल जाते थे और बड़ा अच्छे टीचर हमें मिले लकीली अच्छा टीचर अच्छे होते थे आज शायद कम हो गए हैं हम लोग क्योंकि उस वक्त इतनी मादा परस्ती नहीं थी बाकी चीज़ें नहीं थी उस वक़्त खलूस था गिविंग के था अपनी ज़िम्मेदारी समझते थे सारे तो अच्छे टीचर मिले जिन्होंने हमें ज़िंदगी के हर एक ना सिर्फ दुनियावी तालीम दी बल्कि हमें अच्छा इंसान होने के लिए तरबियत का भी अनासर सामने रखे सर स्टूडेंट भी अच्छे होते थे नहीं स्टूडेंट अभी भी अच्छे हैं बहुत अच्छे हैं मैं नहीं मानता कि स्टूडेंट नहीं अच्छे हमारे तो हमारे वक्तों पे जब मैंने मेरा ख़्याल है छठी जमात तक तो हम वो जो जूट के वो टाट होते थे ना उन पर बैठ के पढ़ते थे लेकिन क्या हम तख्तियों पर लिखते थे या सफाइयाँ बैठ के लिखते काम करना पढ़ना बा होते थे शरारती भी होते थे मार भी खाई हुई है टीचरों से बड़ी सर मेरा नहीं आप जो बता रहे मेरा ख्याल है वहाँ पे पंखा छोड़े वहाँ बिजली ही नहीं होती होगी सर बिजली तो खैर आ गई थी लेकिन इतने पखे शक कोई नहीं होते थे और सिक्स क्लास में हमें पहली दफ़ा बेंच मिले हम बड़े खुश थे कि हमारी बड़ी एलिवेशन हो गई है और सिक्स्थ क्लास में जाके फिर हमने बेंच मिले वहीं से फिर मैंने मैट्रिक किया उसके बाद मेरे ताया मेरे वालद के चाद भाई होते थे डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन आजाद कश्मीर मुजफ्फराबाद में तो मैंने एफ एस सी से की और उसी साल मेरे फादर की डेथ हो गई फिर मैंने एक दो साल पढ़ाई छोड़ भी दी कि यार नहीं मैं बोझ किस तरह बनूँ अपनी फैमिली पे जैसे आपने कहा कि मेरी छः बहनें थी मुझसे छोटी और वालद साहब की डेथ के एक दो माह बाद मेरा ख्याल है मेरे भाई की पैदाइश हुई इफ्तार उसका नाम है उसने वालद साहब भी नहीं देखे और मुझे ही पापा कहता है तो अभी पापा या पापा कहता है मुझे और बेटा एक बेटों की तरह मेरा क्योंकि मुझसे पैंतालीस सैंतालीस साल छोटा है तो बेटा ही है मेरा तो वो लेकिन मेरे अल्लाह खुश रखे मेरे चाचा मेरी प्प्फो अमक जॉइंट फैमिली में रहते थे एक घर में थर्टी एट के करीब फोर्टी लोग इकट्ठे रहते थे पिंडी में जब हम मूव हुए राहुल पिंडी में तो एक घर में रहते थे इकट्ठे खाने पकता था कोई पता नहीं होता था कि किसका बच्चा है किसकी बहन है सब बहन भाइयों की तरह तीन फैमिलियाँ इकट्ठे रहते थे फिर जब फैमिली बहुत बढ़ गई तो फिर हम आलादा अलदा हो गए जब सेपरेट हुए तो उस वक्त भी मेरी हिस्से में कोई ग्यारह बारह लोग आए पहने थी वालदा थी एक बहन की शादी हुई थी उसके मियाँ बाहर होते थे वो भी हमारे साथ रहती थी उसके बच्चे भी थे तो इस तरह ज़िंदगी में अल्लाह ताला ने कभी कोई मुझे मुझे नहीं याद पड़ता कि कभी मैंने पीछे मुड़ के देखा हो या मुझे कभी ऐसा हो कि मुश्किल फेस हो क्योंकि माँ की दुआएं थी माँ अल्लाह ने एक वली हमारे घर में पैदा की हुई थी हुँ। वो तजत पड़ती थी सुबह उठ के मुझे दम करके पानी देती थी पियो फिर जब मैं घर से निकलता था कुरान पाक के नीचे से निकालती थी और इसमें मेरी जॉइंट फैमिली में होने का फायदा यह था कि मेरी बड़ी सपोर्ट हुई मेरे चाचा मैंने जैसे कहा कि उन्होंने कहा कि मैं अपने बच्चे को नहीं पढ़ाऊंगा आपको पढ़ाऊँगा क्या बात है तो वाकई उन्होंने वो करके दिखाया अल्लाह ताला उनको जो खैर दे सर इसमें ये कि आपने भी खुदा पे ईमान और आपने भी गिव अप तो अपल पे तो वक्ल और फिर हम ये भी देखते हैं कि आपने फैसलाबाद की यूनिवर्सिटी से अपना फिर जो है अपने मास्टर्स किया था फिर पीएचडी के लिए यूएस भी चले गए थे एक आम सी मतलब यू you नो know, कोई बच्चा है निकलता है आम से स्कूल से हायर एजुकेशन के लिए बाहर चला जाता है तो क्या इस क्या क्या ऐसी चीज़ थी आपके जहन में कि अच्छा मुझे आमतौर तो पर बच्चे ये होते कि चले मास्टर्स कर लिए बस हमारा तालीम जो मैंने भी शुरू में ये सोचा कि मैं अपने खानदान पर इतना बोझ बना हुआ हूँ ये छोटी बात नहीं आठ बच्चों के साथ एक बेवा औरत साथ ससुराल में देवर और बाकी फैमिली के साथ रह रही हो वो इतने हम बड़े नवाब भी नहीं थे क्यों होता है ना ज़मीनें जदादें हैं पीछे बड़े नवाब हैं परवाह नहीं है ऐसी बात नहीं है मस्किन लोग थे और मुझे माँ माँ मेरी कहती होती थी बेटा मस्किनी में रहो यही अल्लाह को पसंद है तो अल्लाह ने बड़ा नवाज़ा हर किस्म मतलब के मतलब रस्ते ख़ुद खुलते गए मैंने मैं समझता हूँ उसमें मेरा एफर्ट शायद इतनी नहीं है जितनी मेरे साथ दुआएं थी मेरे खानदान की मेरे रिश्तेदारों की मेरी वालदा की खासकर फिर अल्लाह का करम खास कर तो था। के पहले सर थे जो यूएस के लिए अपनी स्टडीज़ हायर स्टडीज़ के लिए ख्याल मैं, मैं अपने इलाके में पहला पी एच डी और जो यू एस पी एच डी करके आया और फिर मजे की मजे की बात है कि वो पी एच डी भी अजीब तरीके से हुई कि मेरी अभी हार्डली तीन साल सर्विस हुई थी मैं बाई चॉइस गया था कॉलेज में पहले मैं रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था मैंने मास्टर में फोर आउट ऑफ फोर जी पी लिया हुआ है मेडलिस्ट था आ, वो भी इसी तरह तो मैंने मैंने आपसे कहा ना मैं बीएस के बाद मैंने घर वालों से कहा मैंने नहीं पढ़ना बस बीएस हो गई मैं मेरी पुप्पो एक होती थी अल्लाह मक़फ़ करे उन्होंने कहा आप अपने बी किया तो बेटा मैं आपको दुबई होते अबू धाबी होते तो मुझे उन्होंने वहाँ बुला लिया मेरे अंकल और पुप्पो ने तो वहाँ मैंने देखा तो वहाँ मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी जॉब की तो मैंने कहा बस मैं अब जाप करता हूँ मैं घर वालों की मैं खुद अपनी जिम्मेदारी उठाता हूँ आमतौर पर मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि आमतौर तो पर जब घर की जिम्मेदारियाँ आ जाती है तो लोग जाहिर सी बात है अपनी स्टडीज़ को मुनकता करके उसमें लगते हैं लेकिन आपकी यहाँ पे मिसाल ऐसी है कि आपने अपनी तालीमी सिलसिले को भी बरकरार रखा और घर वालों की ज़िम्मेदारियाँ भी आपने जी वो अल्लाह की मदद वो चाचा सपोर्ट कर रहे थे फैमिली सपोर्ट कर रही थी लेकिन मेरी फूफो ने मुझे मजबूर किया कि मैं दोबारा पढ़ूँ एक दफ़ा मैंने एफ के बाद छोड़ दिया तो मेरी पप्पो ही तो भाई अबू धाबी वाली वो कहती बेटा पढ़ो ये तो मैं बड़ा पतला सा नाजुक सा होता था उसने तो 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 कहा ये किधर तुम चक्करों में पढ़ क्यों छोड़ो पढ़ो आगे जाके फिर अल्लाह ने मेहरबानी की उस रास्ते पर चल पड़ा बी एस सी के बाद मेरा पक्का प्रोग्राम था तो भई चचा ने कहा नहीं तुमने तो इधर सारे साथ वर्षा भी चलाते रहे छात्र पढ़ते भी इतने अच्छे मार्क्स लिए तो अब तुम हमारे लिए पढ़ोगे तो वो मेरे साथ खुद चल के फैजलाबाद गए मुझे कूलर लगा के दिया और सपोर्ट भी करते रहे तो फिर मैंने सोचा यार मेरी फैमिली ने कहा और चाचा ने कहा तो अब पढ़ना है तो मैंने भी मुड़ के नहीं देखा और अलहमद मैं हर क्लास टॉप करता गया ओवरऑल नहीं हर क्लास मैंने टॉप की हर सब्जेक्ट में जो बड़े किसी भी सब्जेक्ट मेरी किया था तो फ़ोर लेना आसान शायद होता है मैंटेन करना बहुत मुश्किल होता है पूरे दोस्त तो अल्लाह ने मेहरबानी की मेरा फ़ोर आ गया उसने मुझे बड़ी हेल्प की फिर मेरी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में एक जॉब होगी बहुत अच्छी थी लेकिन मैं टीचर बनना चाहता था शुरू से सर आप टीचर माशाल्लाह हाँ। तो डिपार्टमेंट के हालांकि मेरे बचपन से मुझे ना मेरे मोहल्ले में लोग डॉक्टर कहते थे क्योंकि वाले साहब वेटनरियन थे तो सब का ख्वाहिश थी कि मैं डॉक्टर बनूँ और मुझे हो भी सीट भी मिल गई थी लेकिन क्योंकि वाले साहब की डेथ के बाद फिर मैंने कहा नहीं मैं पढ़ता मैं इतने अपनी फैमिली पर इतना बोझ नहीं बनता तो वो मैंने फिर वो मैंने जो टीचिंग जॉब बाई चॉइस ली मुझे आज भी याद है इंटरव्यू हो रहा था <coughs> तो वहाँ पे पब्लिक कमीशन पब्लिक सर्विस कमीशन का एक नुमाइंदा होता था उस सिलेक्शन बोर्ड में तो हर कोई उससे डरता था कि बड़े अजीब से सवाल करते हैं तो हम तो नए नए होता है ना बंदा यूनिवर्सिटी पढ़ के आया हो टॉप किया हो मेडल लिया हो तो थोड़ा सा बिटी नेचर भी मेरी शुरू से है मुझे आज भी याद है कि जब मैं अंदर घुस रहा था तो उस इदारे के हेड ने ना मेरा इंट्रोडन दे रहे थे वहाँ पे कि जी इन्होंने ये किया ये किया है इसने से पढ़े हैं ये इतना जी पी ए लिया तो मैं बैठा ही तो उसने कहा उन्होंने सवाल शुरू किया वो जो पता नहीं अब जिंदा भी हैं कि उस वक्त बड़े बुजुर्ग थे कि वेल मिस्टर मुख्तार डी यू नो एनी बॉडी विद द नेम ऑफ मुख्तार हु इज़ फेमस इन द वर्ल्ड अच्छा सच्ची बात है मुझे नहीं पता था कि क्या सवाल उन्होंने किया तो मेरे एक्सटेम्पोर मेरे मुंह से जवाब निकला नो सर आई विल बी द फर्स्ट वन क्या बात है वो सारे आस पड़े हैं तो उसने अलावा वो बड़ा मुशायर सारे डरते थे कि वो सवाल उससे बचता है यार बड़े अजीब सवाल करते हैं वो ऐसा मेरा जवाब था कि उसके बाद उन्होंने मुझसे सवाल ही नहीं पूछा और बाकी भी हर इंटरव्यू अच्छा अच्छा सर माशाल्लाह से यही बात है कि आ, खुदा भी एक डायरेक्शन देता है और वो आपको वो भी दे देता है एहसास भी दे देता है कि भाई अब आप कोई रास्ते बनाते हैं बेशक ऐसा ही और आपके इस तरह के रास्ते बने कि आप अपने जिस तरह से आ, हाई स्टडीज के लिए बाहर भी गया ओविय बात है फिर लोग हमारे यहाँ हमने ये भी देखा कि जो जो दीगर कंट्रीज है जब कोई टैलेंट आता है या बहुत ही अच्छे हमारे पाकिस्तानी भी जाते हैं तो कहते हैं आप वापस अपने मुल्क नहीं जाए यहीं पर रह जाएँ मुझे तो भी काफ़ी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिली अच्छा मजे की बात वो जब मैं पढ़ने गया मैं पी तो किसी और में सब्जेक्ट में करने गया था तो मेरा एरिया बेसिकली स्पेसिफिकली वो मेडिसन प्लांट पर था मानो सस की ट्रपिन पे काम था एसेंशियल आइल्स पे मेडिसिनल वैल्यूज़ पे उसका काम था और स्टेट बड़ा बोरिंग सा सब्जेक्ट होता है केमिस्ट्री वगैरह तो जिसमें मैंने बड़ा मल्टीपल मल्टी डायमेंशन काम किया और अल्लाह ने बड़ी मदद भी की उसी दौरान मेरे क्लास फेलो थे और माशाल्लाह वो अपने लेवल के हम जब बी एस सी करते थे वो गोल्ड मेडलिस्ट था रियाज़ करीम उनका नाम था तो उनको उनका भी सैन होजे में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से मैं भेद रिवर साइड में मैंने एडमिशन लिया वहाँ चला गया था तो वो जो मेरे दोस्त थे वो सैन होजे बड़ा अच्छा एक बिज़नेस स्कूल है वहाँ बैंक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक की तरफ से गए एम करने वो यू एस का स्कॉलरशिप विन किया उन्होंने अच्छा वो जाते ही ना तो क्योंकि वो घर से निकले नहीं थे कभी इतना तो उनको एक एक टर्म किया दूसरी टर्म पढ़ रहे थे तो वो होम सिकनेस होने शुरू हो गई उनका तो वो कहें जी मैंने वापस पाकिस्तान जाना मैंने कहा भाई ना करो बस इतना थोड़ा सा रह गया आधा पढ़ लिया और भी कर लो लोग वहाँ कहेंगे शायद पढ़ नहीं सका रहा बड़ा जीनियस बच्चा ऐसा ही होता है उसको मैं अपने कल यहाँ रहता था मेरी फैमिली उधर थी जब मैं गए थे एक बेटी थी जो उसको जब वो आया मिलने के लिए तो उसको उस क्या दूसरी भी हो चुकी थी जो वो दूसरी बेटी जो उस वक्त हुई थी तो वो आज कल उसकी बहू भी है उसी रियाज साहब की मेरी उनका बेटा मेरा दामाद तो मैं उनको बुलाया लेकिन नहीं वो बाप पाकिस्तान चले गए तो मैंने बड़ी मुश्किल से उससे राजी किया कि मैं आपको ना अपनी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र करा लेता हूँ तो इधर आओ इधर इकट्ठे हमारे पास रहना कोई मसला नहीं होगा दो एक डेढ़ साल है निकल जाएगा मैं उसके एडमिशन के लिए बिज़नेस स्कूल में गया एक गैरी एक गरी एंड बिजनस स्कूल आ होता था वहाँ पे बड़ा अच्छा फेमस बिजनेस स्कूल था हमारे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में तो डीन थी मैं उनके पास चला गया और अल्लाह उसका भला करे तो मैंने उसे मैं उसको बताऊँ कि जी ये मेरा दोस्त है इसने इतने कोर्सेज़ पढ़े हुए तो हाउ कैन वी ब्रिंग हिम एयर उसने कहा देखें हमारा यू का सिस्टम है कि मैक्सिमम दो कोर्सेज़ का क्रेडिट देते हैं बाकी उनको सारे पढ़ने पड़ेंगे मैंने कहा ये तो लंबा टाइम लग जाएगा वो फीसें भी ठीक ठाक होती थी उस वक्त पाँच छः हज़ार डॉर क्वार्टर की फ़ीस होती थी बहुत ज्यादा तो उस वक्त ठीक ठाक पैसे दे रहा यूएस वो तो यू एस दे रहा था लेकिन अगर वो एक्स्ट्रा कोर्सेज पढ़ते तो उसको एक दो में लेकिन सर इससे इस आपकी बातों से सीरियसली मुझे पता चलता है कि आपने अपने रास्ते तो बनाए दूसरों के लिए भी मैं पर आपको वो बताता हूँ ना कि वो, वो मेरी बात ही ना सुने वो कहने मिस्टर आमिद आई कैन सी समिंग गुड गुड इन यू डों मैंने कहा बीबी मैं आगे बड़ी मुश्किल से बच्चे मेरे इधर दो बेटियाँ पैदा हुई थी तो मैंने कहा उधर तो मैंने कहा मैं घर संभालूँ नामिनल साढ़े आठ सौ डॉलर उस वक़्त मिलता होता था स्कॉलरशिप तो आधे पैसे तो हमारे टेलीफ़ोन पे खर्च हो जाते हैं क्योंकि मेरी माँ और बहनें अकेली इधर होती थी अब रहते वहाँ थे लेकिन दिल पाकिस्तान में हाँ, पाकिस्तान में, में था, था।, था। बिल्कुल हर वक्त मैं बड़ा वरी होता था बल्कि जिस दिन फ़ोन ना करूँ अगले दिन मैं ज़रूर करता था कि और उस पर आधे पैसे हमारे उस पर लग जाते थे तो मैंने कहा मैं ये ख़त्म कर लूँ तो अच्छा है मैं पाकिस्तान जल्दी चला जाऊँ मैं इतनी देर नहीं रह सकता उन्होंने कहा नहीं उसने ज़बरदस्ती मुझे ना उसने कहा तुम्हें कोई एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है जब तक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो सिर्फ इवनिंग में क्लासें रजिस्टर कराओ मैंने कहा अच्छा जी कर लेते हैं अच्छा वो ऐसा उसने मुझे कन्विंस किया वो बेचारा तो उधर ही रहा रियास तो भाई तो मुझे उसने दो क्लासें एनरोल कर दी एक मुझे आज भी याद है मार्केटिंग की एक एम आई एस की नया सब्जेक्ट था उस वक्त सर आपकी मैं गुफ्तगु सुन रही माशाल्लाह से आप जहाँ जहाँ गए लोगों ने पहचान लिया कि इसके मतलब अल्लाह ने रास्ते निकाल दिए माँ की दुआएं थी पीछे हाँ. अल्लाह ने रास्ते निकाल दिए और फिर आप यकीन नहीं करेंगी उसने एक सफेद कागज निकाला कहता है दिस इज एन एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड मी मिस्टर आमिर सर ये वैसे सच्ची बात है आपकी माँ की दुआएं हर हाँ जगह थी सर ये बताएं क्योंकि माशाल्लाह से अब क्योंकि वापस आपके पास एक अहम डिपार्टमेंट है एच ई सी की जब बात कर रहे थे तो अब uh, जो है क्योंकि अभी भी काफ़ी चैलेंजेस का सामना है चीज़ें हैं आप क्या समझते हैं कि इन से हम मैंने आपको बताया कि जो रैंकिंग में पाकिस्तान का भी अब यूनिवर्सिटीज़ का भी नाम है आपकी कोशिश है आपकी टीम की कोशिश है अब कहाँ किस तरफ देखते हैं कि अब हमारी यूनिवर्सिटीज़ का डायरेक्शन जो है बेहतर है पाकिस्तान के में जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है ना वो यंग पीपल है मोर देन सिक्सटी फाइव परसेंट लोग हमारे परसेंट लोग यंग हैं मैं हमेशा कहता हूँ ये गोल्ड माइन है इस पर अगर हमने इन्वेस्टमेंट कर ली ठीक इनकी डायरेक्शन ठीक कर ली तो पाकिस्तान की भलाई भलाए आगे खुदा न खास्ता हमने इसको इंपॉर्टेंस ना दी और जिस तरह होता है हमारे यहाँ के यार तालीम पर क्या फोटो सेशन के लिए हम कहते हैं तालीम बड़ी ज़रूरी है असल में हमने आज तक सीरियस तालीम को लिया ही नहीं हायर एजुकेशन में थोड़ी सी एफर्ट हुई है देखें उसका इम्पेक्ट देखें हमारी यूनिवर्सिटियाँ बढ़ गई हैं ठीक है, है क्वालिटी का इशू है और चैलेंज भी हैं लेकिन एक दुनिया में नाम बना के पाकिस्तान के अंदर हायर एजुकेशन में बहुत काम हो रहा है मुसलमान मुल्कों में मैं जब मराको गया ओ में तो वहाँ एक दफ़ा हम एक डिस्कशन कर रहे थे कि इस्लामिक वर्ल्ड की हायर एजुकेशन को कैसे उठाया जाए तो जो यू एस एड की डेलीगेशन आई हुई थे और सी एम आई के लोग आए हुए थे मरसे से बाकी लोग

अच्छी लीडरशिप हो तो हम डिलीवर कर पाते हैं तो हम ब्ले अच्छा। मैं आपसे थोड़ी सी इजाज़त ये लूंगी कि इस डिपार्टमेंट में अगर आप जैसे चेयरपर्सन हैं जो इसको देख रहे हैं इसके मामलात को तो हम ब्लेस्ड हैं कि आप अपनी टीम को सही डायरेक्शन की तरफ लेके देखो जा मैं आपको बताऊं एच में अगर काम हुआ है ना तो इसमें बड़े लोगों का रोल है मैं कुछ नाम लेना चाहूंगा अब आपने मुझे बार बार कहा है तो मुझे वो कहते हैं ना बेस्ती नहीं होगी थोड़ी सी शर्मंदगी भी फील हो रही है कि मैं इतना मेरा उसमें कमाल नहीं है डॉक्टर तौर रहमान पहले चेयरमैन हमारे बने उस वक्त अकरम शेख साहब पहले पहले उससे पहले हमारे जो हमारे वाइस चांसलर साहब थे जो एच ई सी के मेम्बर थे वो भी ई डी कुछ असर रहे तो फिर अकरम शेख साहब आए जो बाद में डिप्टी चेयरमैन बने फिर सोहेल नकवी डॉक्टर सोहेल नकवी हमारे बेसिकली ई डी आए जो आर्ट नावसर रहे और असल में वो आर्किटेक्ट थे सारा कुछ मानना चाहिए मैं एज़ ए टीम मेंबर था मैं उस वक्त मम्बर ऑपरेशन प्लानिंग आया और डॉक्टर का विजन था गवर्नमेंट उनको सपोर्ट कर रही थी और अल्लाह ने मौका दिया और फिर सारे हमारी यूनिवर्सिटियाँ उस वक्त थोड़ी यूनिवर्सिटियाँ होती थी फिफ्टी टोटल यूनिवर्सिटियाँ होती थी पाकिस्तान में हार्डली टू पॉइंट एजुकेशन रेट होता था जब शुरू हुआ है दो हज़ार में और लेकिन अल्लाह ने वो टीम बनाते गए मैं कभी मैंने नकवी साहब से मिला नहीं था डॉक्टर ता से नाम सुना हुआ था देखते थे बड़ा नाम होता था उस वक्त लेकिन अल्लाह ने मौका दिया एक जेल होती गई टीम और सबको एक ही जज्बा था कि हमने पाकिस्तान के लिए कुछ काम पाकिस्तान के लिए जो जज्बा है यही जज्बा हर पाकिस्तानी के अंदर मौजूद हो तो हम चाहेंगे एक मख्तर सा मैसेज हमारे देखने वालों के लिए आप देना चाहें मैसेज तो वो बचपन में हम सुना करते थे आओ बच्चों सैर कराएं तुमको पाकिस्तान की जिसके खातर हमने दी है लाखों कुर्बानी लाखों जाने कुर्बान की इस तरह का कुछ है तो मैं इस वक्त याद नहीं है लेकिन मकसद यानी का है कि बड़ी पोटेंशल है अल्लाह ने बड़ा कुछ दिया हुआ हमें आइए कौम बन जाए और एक कट्ठे मिल के इस मुल्क के लिए अगली आने वाली नस्लों के लिए इंसानियत के लिए काम करें और तालीम के बगैर ये ये नहीं हो सकता इसमें कोई दूसरी राय नहीं है और मेरी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट ये होगी कि खुदारा हेल्थ और एजुकेशन और सोशल सेक्टर को ये तीन सेक्टर पे हमारी सारी लीडरशिप मिल जाए और फैसला कर ले कि इन तीन सेक्टर में कोई सियासत नहीं होगी इनको जो जिसे कहते हैं ना जॉब के लिए वो एक्सचेंज के लिए तौर तो पे तो नहीं ये हो जाएगा कि जिसकी सिफारिश करानी इधर भर्ती करवाएं इस पे मेरिट पे प्रिवेल होने दें और इनके लिए तीन साल का बजट जो है फ़िक्स कर दें ताकि अच्छी प्लानिंग के साथ ये मुल्क भी डिज़र्व करता है कि यहाँ तरक्की की जाए और तालीम के बगैर तरक्की नहीं हो सकती और हमें इसके लिए अपनी यूथ को भी मैं कहूँगा कि आगे बढ़ें और जो हमारे अंदर एक हाइपर टेंशन क्रिएट हुई, हुई हुई है इस वक्त सोसाइटी के अंदर इस एनर्जी को पॉजिटिव तरफ मोड़ दें और लीडरों से भी कहूँगा खुदा रहा ये एक अच्छी एनर्जी क्रिएट होगी हमारे टोर के जो हमारी यूथ के अंदर इसको डायरेक्शन चेंज कर दें कि पाकिस्तान के लिए काम करना है अपनी फ्यूचर के लिए काम करना है एंड देन इज़ द लिमिट प्ली मी इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए और इतना जबरदस्त मैसेज दिया मैं चाहूंगी कि इसी मैसेज को दोबारा से मैं अपने नाजीन में दोहरा सकूं बहुत शुक्रिया थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए आप हमारे साथ मौजूद थे जी ये थे हमारे रियल पाकिस्तानी डॉक्टर मुख्तार साहब आपने इनकी गुफ्तु सुनी कि इन्होंने एक बात बोली है कि हमारे मुल्क की तरक्की जो है वो तालीम के बगैर नामुकम्मल है स्पेशली यूथ को जो मैसेज दिया है कि प्लीज़ जहाँ भी आपको मौका मिले अपनी तालीम तालीमी सिलसिले को प्लीज़ पूरा करें क्योंकि हमारी जो यूथ है हमारा फ्यूचर है और अगर पढ़ी लिखी यूथ होगी तो यकीन पाकिस्तान तरक्की करेगा ऐसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखें मुझे मोना खान को इजाजत दीजिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद